everyone. Welcome to my YouTube channel, Pharma Medical Care. I am Dr. Zainab and I am Doctor of Medicine and Pharmacy. आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूटिवेट क्रीम के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि इस क्रीम को हम क्यों यूज़ करते हैं, इस क्रीम के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको प्रॉपर यूज़ करने का तरीका क्या है और इसके रॉन्ग यूज़ से कैसे बचना है, क्योंकि बहुत से लोग इस क्रीम का रॉन्ग यूज़ भी करते हैं जिससे आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इस क्रीम के हवाले से आपको डिटेल में सब समझ में आ जाएगा और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्यूटिवेट क्रीम के हवाले से कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्यूटिवेट क्रीम एंड व्हाई वी यूज क्यूटिवेट क्रीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यूटिवेट क्रीम क्या है और इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता है या कौन सी स्किन कंडीशंस में क्यूटिवेट क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है। What is Cutivate cream and why we use Cutivate cream? Cutivate cream एक topical और medium potency का corticosteroid है। तो सबसे पहले let me explain you what is corticosteroid. Corticosteroid medicine एक ऐसी class है जो कि बहुत सारी skin inflammatory conditions को treat करने के लिए use की जाती है। इसलिए Cutivate को भी हम different skin conditions को treat करने के लिए use करते हैं। क्यूटिवेट के अंदर मौजूद होता है फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट जो स्किन की कंडीशंस और बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्किन एक्जिमा यानी जिल्द की इंतहाई इचिंग कंडीशन जिसमें आपको स्किन पे काफ़ी इरिटेशन फील होती है, या फिर स्किन सोरासिस यानी जिल्द की चंबल, सबोरिक डर्माटाइटिस यानी जिल्द की दीगर खारिश वगैरह। इन स्किन कंडीशंस में हम क्यूटिवेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्यूटिवेट क्रीम स्किन पे होने वाली रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और इचिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन इस क्रीम का यूज़ हम एक्नी कंडीशन में नहीं करते और ना ही इसका यूज़ एक्नी स्कार्स के केस में करते हैं, क्योंकि ये क्रीम एक्नी या एक्नी स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। इसलिए इसके रॉन्ग यूज़ से बचें। अगर आप इसको एक्नी या एक्नी स्कार्स के केस में यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ फ़ौरन बंद कर दें। हाउ टू यूज़ क्यूटिवेट क्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी मेडिकेटेड क्रीम का यूज़ डॉक्टर के मशवरे के बिना ना करें और मेडिकेटेड क्रीम का यूज़ स्किन प्रॉब्लम के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ही करें। अगर आप मेडिकेटेड क्रीम का रॉन्ग यूज़ करेंगे या डॉक्टर के मशवरे के बिना यूज़ करेंगे तो मे भी आपको उस क्रीम से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए किसी भी मेडिकेटेड क्रीम का यूज़ खुद से ना करें, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। नंबर टू, इस क्रीम के यूज़ से पहले अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश कर लें। नंबर थ्री, इस क्रीम को सिर्फ इफ़ेक्टेड एरिया पर ही अप्लाई करें और अगर अनइफेक्टेड एरिया पर यह क्रीम लग जाए तो उसे वाटर से रिंस कर लें। नंबर फोर, इस क्रीम की थिन लेयर ही स्किन पे अप्लाई करें, ज़्यादा क्वांटिटी में इसे स्किन पे अप्लाई ना करें। अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ करेंगे तो इसके नतीजे में आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर फाइव, इसका इस्तेमाल सिर्फ उतने दिन तक ही करें जितने दिन के लिए आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, इसका ज़्यादा यूज़ बिल्कुल भी ना करें। नंबर सिक्स, इस क्रीम का इस्तेमाल फेस पर ना करें और अगर फेस पर यूज़ करनी भी है तो डॉक्टर के बताए गए तरीके के मुताबिक फेस पर इस्तेमाल करें। नंबर सेवन, इस क्रीम का यूज़ 15 दिन से ज़्यादा नहीं करना और इसका यूज़ दिन में सुबह शाम दो बार सिर्फ 15 दिन तक ही कर सकते हैं। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्रीम स्किन थिनिंग करने लगेगी। नंबर नाइन, इस क्रीम का कॉन्टैक्ट आइज से अवॉइड करें। नंबर टेन, इस क्रीम को नियर माउथ एरिया यूज़ ना करें वरना आपको सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है अगर आप इसको नियर माउथ एरिया यूज़ करते हैं तो। नंबर इलेवन, अगर आपकी स्किन एलर्जीज, डायबिटीज़, इम्यून डिजीज़ की हिस्ट्री है तो डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बता के डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नंबर ट्वेल्व, इस क्रीम के यूज़ से पहले इसकी थोड़ी सी अमाउंट को स्किन पे टेस्ट कर लें। अगर ये आपकी स्किन कंडीशन को मज़ीद ख़राब करने लगे या स्किन पे इरिटेशन करे तो इसका यूज़ फ़ौरन रोक दें और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्यूटिवेट क्रीम। नंबर वन, इस क्रीम का ज़्यादा यूज़ स्किन थिनिंग
और स्ट्रेच मार्क्स का बाइस बनता है। नंबर टू, इस क्रीम के यूज से एक्ने एग्रीवेट होती है स्किन पे। नंबर थ्री, इस क्रीम के यूज से जिस एरिया पे आप इस क्रीम का यूज करते हैं उस स्किन एरिया पर हेयर ग्रोथ हो जाती है। नंबर फोर, स्किन ड्राइनेस, स्किन इरिटेशन अराउंड हेयर फॉलिकल्स। नंबर फाइव, इस क्रीम का यूज आप दूसरी क्रीम के साथ मिक्स करके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत से साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। इस क्रीम को दूसरी क्रीम से मिक्स करना इस क्रीम का बेहद रॉन्ग यूज़ है, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर लोग स्किन वाइटनिंग के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन एक हेल्दी स्किन के लिए ऐसा करना रॉन्ग है। इससे आपको वक्ती रिजल्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको डिटेल से समझ आ गई होगी कि क्यूटिवेट क्रीम क्या है, इसका यूज़ कौन सी स्किन कंडीशंस में किया जाता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके रॉन्ग यूज़ से कैसे बचना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।